माने रहीम वालेकुम तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में शादो आबाद होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह ही हम सबको बहुत अच्छा बहुत खुश रखे आमीन या आलमीन वेलकम टू अनदर ब्लॉग तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से हम साथ में कहीं घूमने नहीं गए मतलब मैं और आप तो आज मैं आप लोगों को दिल्ली घुमाने ले चलती हूँ वो भी रात में मतलब दो दिन लगातार हमने रात में दिल्ली घूमी है मतलब गर्मियों का मौसम ही ऐसा होता है कि आप दिन भर सोचते रहते हैं कि कब शाम होगी कब हम कहीं जाएंगे अगर हमें जा, कहीं जाना है घूमने जाना है या कहीं भी जाना है तो बस दिन ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं और शाम होने का इंतज़ार करते हैं कि भाई शाम हो और निकले हमें जहाँ कहीं जाना है तो ये है गर्मियों की शाम और मौसम मतलब इतना अच्छा हुआ हुआ है ना मतलब शाम में तो अच्छा हो ही जाता है दिन में थोड़ी गर्मी है लेकिन शाम में अच्छा हो जाता है अलहमद मौसम और साथ में घूमेंगे दिल्ली और रात में घूमेंगे दिल्ली और साथ में करूंगी कुछ खास बातें भी आपके साथ YouTube चैनल के हवाले से जो भी लोग नया चैनल बना रहे हैं जो बनाने वाले हैं जो बनाने की सोच रहे हैं तो मेरा जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अपना और तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा काम जिससे मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हुआ है और आप लोगों को भी हो सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं मैं वो बात वो काम और ये देखिए हम लोग पहुंचे हुए हैं इंडिया गेट और हम लोग इंडिया गेट क्यों पहुंचे हैं तो हमारे आए हुए थे मेहमान तो भाई मेहमानों को घुमाना तो मेज़बान का फ़र्ज़ होता है ना तो बस उन्हीं को घुमाने ले गए थे तो साथ साथ बच्चों के भी मजे आ गए थे और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके घर में मेहमान होते हैं तो खाली बच्चों के ही नहीं बाकी सबके भी मजे आए हुए होते हैं क्योंकि खूब तो अच्छे अच्छे खाने बन रहे होते हैं आपके घर में खूब घूमने फिरने को मिल रहा होता है और मतलब घर में जो दिल लगता है जो रौनक होती है वो अलग कि मेहमान जब घर में होते हैं ना आपके तो अलग ही तरह की रौनक होती है चाहे वो मेहमान सुबह से शाम तक वाले हों चाहे वो एक दो दिन रुकने वाले हों चाहे वो दो चार दिन रुकने वाले हों तो सब तरह के मेहमान होते हैं अलग अलग लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है खैर माफ़ करे पहले थोड़ी बहुत मुझे भी मेहमानों से ना अलका साथी थी मतलब कि खाना बनाना पड़ेगा कि घर ठीक करना पड़ेगा कि होता है एक टाइम होता है और एक टाइम ऐसा भी होता है कि आप के अंदर की जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी चेंज हो जाती हैं और आपका अडल्टड जो है ना वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है लाइफ में तो वही हुआ है शायद मेरे साथ भी अब चीज़ें बहुत सारी चेंज हो गई हैं और मतलब आज मुझे अपने घर में मेहमान बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हर थोड़े दिन में कोई ना कोई दावत होनी चाहिए हर थोड़े दिन में कोई ना कोई, कोई आ जाना चाहिए वो अलग बात है कि मेरे मेहमान बहुत कम आते हैं क्योंकि मेरे ससुराल में मेरे मायके में दोनों ही तरफ लोग बहुत कम हैं मतलब मायके और ससुराल दोनों ही तरफ बहुत छोटी छोटी सी फैमिली है और बाकी जो रिश्तेदार हैं वो कहाँ कौन किसके यहाँ इतना आता है बस टाइम टाइम से सब आते हैं जाते हैं तो खैर ये जो मेहमान थी हमारी वो हमारी ससुराल की तरफ की थी और बस दो तीन दिन के लिए आई लेकिन ये दो तीन दिन भी ना घर में बहुत ही रौनक रही बच्चों को भी खूब अच्छा लगा खूब घूमने फिरने को मिला खाने पीने को मिला तो बच्चों को क्यों नहीं अच्छा लगेगा और बस इंडिया गेट पहुँच गए थे हम लोग इंडिया गेट पर ना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है शाम के टाइम और वो गर्मियों की शाम तो क्या ही कहने तो ये गर्मियों की शाम है और देखिए इंडिया गेट पर बच्चे कितने मजे कर रहे हैं मतलब ये वाली बाइक राइड से इतना हम भी डर गए थे क्योंकि बस भैया ने उसको बाइक पर बिठाया और खुद ही आगे निकल गया पता नहीं कहाँ क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी इतना ज्यादा रश था ना शाम के टाइम यहाँ पे और हमेशा ही होता है खैर जब से ये इंडिया गेट थोड़ा सा बन गया है थोड़ा सा रेनोवेट हो गया है ना उसके बाद तो और ज्यादा यहाँ पे मुझे लगता है क्राउड होने लगा है तो खैर बहुत अच्छा लगता है लाइटिंग और ये सब चीज़ें ना बच्चे खूब ही इन्जॉय करते हैं भीड़ भार थोड़ी ज़्यादा होती है तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बस क्लिप लिए थे यहाँ के और क्योंकि बड़ी हिलती डुलती वीडियो बन रही थी और हिलती डुलती वीडियो ना मुझे खुद भी बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन खैर व्लॉगिंग तो थोड़ी बहुत चलती है ना हिलती डुलती तो खैर मैंने थोड़ी बहुत बना ली थी जब निकलो तो फिर वीडियो तो बन ही जाती है गेट घूमते घूमते ना हमें साढ़े नौ दस बजे का टाइम हो गया था और सबको बहुत तेज भूख लगी हुई थी तो वहाँ आसपास कुछ इतना अच्छा मतलब मिलता नहीं है लेकिन हाँ सीपी चले जाओ तो सब कुछ मिल जाता है आपको लेकिन हमें आना था कम्युनिटी सेंटर ओखला कम्युनिटी सेंटर और यहाँ पे मतलब शौर जो मिलता है अलबेग का वो जबरदस्त होता है तो हमने कहा चलो वहीं चल के खाएंगे तो हम अपनी तरफ ही लौट कर आ गए थे ओखला और फिर हमने यहाँ से डिनर करके तो जाएंगे घर तो अगला दिन शुरू हो जाएगा तो फिर मतलब दोनों दिन की क्लिप ना मैंने एक ही वीडियो में मिक्स कर तो बस इसके बाद नेक्स्ट डे की क्लिप शुरू हो जाएगी जिस दिन हम नोएडा गए थे और एक दिन हम इंडिया गेट की तरफ आ गए थे और नेक्स्ट हम नोएडा चले गए थे वहाँ सारे मॉल वॉल हैं तो बच्चों को फिर वहाँ ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो एक दिन उधर चले गए थे तो खैर आज जो मैं अपना थोड़ा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना जितना भी काम करते हुए मुझे यूट्यूब पे टाइम हुआ है और जितना भी थोड़ा बहुत मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि अगर आप अपना चैनल बना रहे हैं बना चुके हैं बनाने वाले हैं और अगर यूट्यूब पे आप बेसिकली काम करना चाहते हैं ना तो अपने चैनल को प्लीज अपने रिश्तेदारों से दूर रखें तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने रिश्तेदारों को नहीं बताना कि आपका चैनल है या मतलब आपके सारे रिश्तेदार खराब होते हैं या मतलब बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब ये है कि YouTube पे काम करने का तरीका ही यही है कि आपने चैनल बनाया और आपने YouTube पे वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी आपने कहीं फॉरवर्ड नहीं करना कहीं लिंक सेंड नहीं करना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो या हमारे चैनल को आगे सब्सक्राइब करवा दो ये चीज़ मैंने भी की है अपने चैनल पर यह गलती और गलतियों से इंसान सीखता है तो बस मुझे ऐसा लगा कि जो गलती मैंने की है वो आप लोग ना करें और ये गलती ना थोड़ी सी भारी पड़ जाती है अब किसी किसी पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है किसी पे थोड़ी भारी पड़ जाती है तो मुझे खैर अलहमदुल्ला कम भारी पड़ी है मेरा चैनल अलहमदिल्ला इस टाइम ग्रोइंग स्टेज में है ग्रो कर रहा है धीरे धीरे और अगर शायद मैं ये गलती ना करती तो खैर वल्लम थोड़ा तेज़ी से ग्रो कर जाता लोग ऐसा कहते हैं और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही कि जो आपके जेनुअन सब्सक्राइबर होते हैं ना वो आपके यूट्यूब से ही आते हैं अदरवाइज कहीं से नहीं आते और जैसे आपने लोगों से चैनल सब्सक्राइब करवा लिया जाहिर सी बात लोग अपने रिश्तेदारों से ही चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे और किससे करवाता है दोस्तों से रिश्तेदारों से सबको मतलब लिंक सेंड कर दिया या बता दिया कि मेरा चैनल है या कोई आपके घर पर आया तो आपने उससे कह दिया कि सब्सक्राइब कर दो तो ये गलती मतलब मैंने की तो है लेकिन बहुत जल्दी इस गलती को समझ लिया था बस जब मैंने अपना चैनल बनाया था तो मेरे भाई ने चैनल बनाया था मेरा तो उसने मतलब कुछ लिंक्स मतलब रिश्तेदारों में ही अपने दोस्तों में सब जगह सेंड कर दिए थे तो वो सेवेंटी वन सब्सक्राइबर मेरे आए थे दो चार दिन में पाँच दिन में मतलब जैसे जैसे लोगों को पता चला था मतलब रिश्तेदारों को पता चला था यूट्यूब से आए या नहीं वो मुझे नहीं पता तो लेकिन खैर लोगों ने सब्सक्राइब किया था रिश्तेदारों ने सब्सक्राइब किया था सपोर्ट किया था और तो लेकिन वो नहीं होना चाहिए वो चीज़ गलत है वो तरीका गलत है और उसके बाद मैंने खैर बहुत जल्दी ये चीज़ समझ ली थी और वो सेवेंटी सब्सक्राइबर और उसके बाद अलहमदिल्ला जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना तो वो सारे मेरे YouTube के सब्सक्राइबर हैं क्योंकि आज मेरे घर में कोई आ जाए कितने लोग आ जाए कितने मेहमान आ जाए ना मैं उन्हें बताती हूँ कि मेरा चैनल है और ना मैं उनसे चैनल सब्सक्राइब करवाती हूँ मतलब जिन लोगों को पता है उन लोगों ने कर लिया है अब वो वीडियो देखते हैं या नहीं देखते तो यही चैनल पर आपके असर पड़ता है कि जो आपके रिश्तेदार हैं आपके दोस्त हैं आपकी मुर्मत में आपका चैनल सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन क्या पता आपकी वीडियो उनको पसंद ना आती हो नहीं देखना चाहते हो नहीं देखते हो उनके पास टाइम ना हो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और इनमें से अगर कोई भी एक रीज़न हुआ उनके पास ना तो आपके चैनल पर असर पड़ता है आपके सब्सक्राइबर जब आपकी वीडियो नहीं देखते उसको आगे बढ़ा देते हैं उसको छोड़ देते हैं तो फिर यूट्यूब उसी हिसाब से आपकी वीडियो को रिकमेंड करता है आगे भेजता है कि जब सब्सक्राइबर नहीं देख रहे तो फिर वीडियो उस तरह से आगे जाती है और जब आपके जेनुअन सब्सक्राइबर होंगे ना के जो यूट्यूब से आए होंगे आपकी वीडियो को देख के आपकी वीडियो को पसंद करके जो आपको पसंद करते होंगे और तो फिर वो आपकी वीडियो देखेंगे उन लोगों को इंतजार रहता है आपकी वीडियो को जिन लोग आपकी वीडियो पसंद आती है मेरे भी बहुत सारे फेवरेट यूट्यूबर हैं खैर वो एक अलग टॉपिक है कभी बात करूँगी इस पर भी तो मैं उनकी वीडियो देखती हूँ मुझे अच्छी लगती है ऐसा नहीं है कि आपके सारे ही रिश्तेदार या सारे ही दोस्त मिलने वाले जिनको भी आपने चैनल सब्सक्राइब करवाया है जिनको भी आपने कभी लिंक भेजा था जिसको आप भूल भी गए होंगे कभी भेज के तो उन्होंने मतलब आपकी वीडियो देखी ही नहीं होगी या पसंद नहीं करते होंगे मेरे अलमदिल्ला बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जो मेरी वीडियो बहुत पसंद करते हैं मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं और अगर मैं वीडियो ना डालूँ लेट हो जाए तो मेरे पास मैसेज भी आना शुरू हो जाते हैं कि भाई वीडियो क्यों नहीं आई ब्लॉग क्यों नहीं आया तो ऐसे भी रिश्तेदार हैं अलहमदिल्ला तो रिश्तेदार खैर सब तरह के होते हैं आपके पास मसला वो नहीं है मसला ये है कि जब जिन लोगों ने आपका चैनल मुरवत में सब्सक्राइब कर लिया है या बहुत ज्यादा आप लोगों से हमेशा मतलब जब चैनल बन गया है आपका तो हमेशा लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी आपके घर पर आया तो उससे चैनल सब्सक्राइब करवा लूँ या उसको बता दूं कि मेरा चैनल है और उससे कहूं कि मेरी वीडियो देखना तो वो चीज़ गलत है वो तरीका तो गलत है इससे आपका चैनल डाउन हो जाता है आपके सब्सक्राइबर जेनुअन नहीं होते जो आपकी वीडियो नहीं देख पाते होंगे जिनसे आपने ज़बरदस्ती चैनल सब्सक्राइब करवाया है तो किसी को ना बताएं कि मेरा चैनल है अगर अल्लाह पाक को आपका चैनल ग्रो करवाना होगा और मतलब आपको कामयाबी देनी होगी ना तो वो किसी हाल में दे देगा तो बस अपना काम करते जाएं और YouTube पे काम करते जाएं और वहीं से आपके सारे सब्सक्राइबर आएंगे और खैर अगर लोगों को पता है वो एक दूसरे को बताते हैं शेयर करते हैं तो वो बात अलग है लेकिन आपको किसी को नहीं बताना है आपको किसी से शेयर नहीं करवाना है किसी से सब्सक्राइब नहीं करवाना है तो बस ये एक छोटी सी बात थी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी और मैंने इसको बहुत जल्दी अपने चैनल पे समझ लिया था जिसका फायदा मुझे हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उसके हिसाब से मेरे व्यूज़ अच्छे आते हैं चैनल मेरा ग्रोइंग स्टेज में आ चुका है टाइम लगा क्योंकि गलतियां थी और मुझे बताने वाला सिखाने वाला कोई नहीं था लेकिन खैर अल्लाह पाक सब कुछ आसान करने वाले हैं और यहीं तक था आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज